अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हाजिर खिदमत है कुररोज़ उस्मान की 86 एपिसोड के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोगुत के बाजार में एक सेब को घूमते दिखाया गया है जिसके अंदर एक खत है जिसमें कहा जा रहा है कि हम इनके अंदर घुस गए हैं और हम इनकी नजरों के सामने हैं और इनके दिल में घर कर चुके हैं, इनके जहन, इनकी रूह और इनकी तजारत को जान चुके हैं और अब नकली नूर की रोशनी में जीने वालों को होश में लाने का वक्त आ चुका है। वो लोग इन जमीनों पर अपनी जड़ें पकड़ चुके हैं और अब हम इनकी ताकत तोड़ेंगे। हर तलवार उठाने वाला ग्रोह लश्कर में बदल सकता है मगर एक कायद की तैयारी में दसियों साल लगते हैं। इनके अंदर जो भी अहम है, सोच विचार करने वाले अफराद और उल्मा, बूढ़े और कमांडर, सबको खत्म कर दें। और वो कहता है जाग जाओ, फिर कहता है कि आप सबसे पहले जागने वालों में से हैं। और वो कॉर्नेलिया को देखते हुए कहता है कि तुम इस जहर से भी ज्यादा खतरनाक हो। वो कहता है हमारी जैसी लड़की जिसका ख्याल है कि तुम्हारा कोई नहीं मगर तुम हमारी सबसे माहिर कातला हो। कॉर्नेलिया कहती है बुनियाद रखने की कोशिश करने वाले इन तमाम लोगों को बिल्कुल दरमियान से तबाह करूंगी। वो कहता है कमांडर अपनी कमजोरियाँ जाहिर कर चुके हैं, इनके कमजोर पहलू से ही इनका खात्मा करेंगे। अब जबकि इनके कमांडर तुर्गुत और गुंदूज के ताल्लुकात मुसलसल खराब हो रहे हैं तो ये जुदाई खूनी साबित होगी। वो कॉर्नेलिया को जहर की बोतल देता है। कॉर्नेलिया कहती है लेकिन ये जहर किसके लिए है? वो कहता है जिसके पास सालों से पना गुजीर हो। मारी मालून उस्मान से कहती है कि हमने वालिद को मिट्टी के हवाले कर दिया। मेरा दिल जल रहा है उस्मान, ये अपने नवासे को देखे बगैर चले गए। उस्मान कहता है उमर भाई शहीद है, हम इनके गवाह हैं मगर तुम भी इस बात की गवाह रहो कि मैं इनके साथ ऐसा करने वालों का हिसाब लूंगा। मालून कहती है मुझे जरा बराबर भी शक नहीं इस बात पर। उस्मान कहता है तुम एक मजबूत औरत हो, इस गम पे जल्द अज जल्द काबू पालोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मगर अभी मुझे इजाजत दो सुल्तान मसूद के साथ मिलकर कुछ मामला तय करने हैं। कबीले में जाकर उस्मान सुल्तान के सामने पेश होता है। सुल्तान उस्मान से कहते हैं जनाजा हो चुका, अब आपके हिसाब का वक्त शुरू होगा। उस्मान कहता है सुल्तान कोई चीज ऐसी नहीं जिसका मैं हिसाब पेश ना कर सकूं। आप किस चीज का हिसाब लेना चाहते हैं? सुल्तान कहते हैं मेरे सामने आला सलजू की वजीर की जान ले ली, मेरे साथ जो ना कर सके वो इसके साथ कर डाला, जवाब दिए बगैर आसानी से सांस नहीं ले सकोगे, अब मेरे मुंह से निकलने वाला जुमला तुम्हारी मौत का फरमान होगा। उस्मान कहता है सुल्तान आपका फैसला दुरुस्त नहीं था, अगर अभी वजीर आलम शाह जिंदा होता तो सब कुछ बता चुका होता मगर इसका वक्त तमाम हो चुका, अब अगर वो नहीं बोल सकता तो दूसरे लोग बात करेंगे। कोनूर आरबाई और मिंगयान को सुल्तान के सामने लाता है और अपना तारुफ सुल्तान को कराता है। आरबाई बताते हैं कि मैंने वजीर आलम शाह की खिदमत को आपके खिदमत समझा, मुझ पर रहम खाएं। कोनूर कहता है अपनी बकवास बंद करो और हकीकत बताओ। आरबाई बताते हैं आलम शाह को दिए गए आपके अख्तियारात का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया, उन्होंने लोगों पर जुल्म ढाए, बताते खुद गवाह हूँ उनका कत्ल वाजिब था। उस्मान कहता है कि बताओ कि वजीर आलम शाह की लगामें किसके हाथ में थी? कोनूर बताता है कि वजीर आलम शाह सुल्तान कहते हैं मेरी जान को हदफ बनाने वाले के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सलवा और बारकन बैठे होते हैं, मालून वहाँ आती है और पूछती है कि बारकन अब बताओ कि ये मामला कहाँ और कैसे पेश आया, मुझे तफसील से बताओ। सलवा एकदम बीच में बोलती है कि काश कि मैं यहाँ पहले ना आई होती और मैंने चचा को तनहा ना छोड़ा होता। वो बारकन की तरफ देखते हुए कहती है अगर मरना ही था तो साथ मरते। बारकन कहता है तुम्हें नहीं सलवा, मट्टी के नीचे तो मुझे होना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो मालून को अपनी तलवार देके कहता है कि मुझे इस शर्मिंदगी से बाहर निकालें, मैं उमर भाई की हिफाजत नहीं कर पाया, मैं मरने से नहीं डरता, मुझे इस दर्द से आजाद करें। मालून उसकी तलवार फेंकती है और कहती है मुझे बताओ कि हुआ क्या था और अपना रोना धोना बंद करो। बारकन कहता है मंगोलों ने ये किया। मालून पूछती है कितने लोग थे और कमांडर कौन था? बारकन कहता है तादाद बहुत थी, मैं इन्हें देख नहीं पाया, मेरा और उमर भाई का कोई भी साथी बच नहीं पाया, मैं दो मंगोलों से लड़ते हुए जख्मी होकर गिर गया। आंखें बंद होते वक्त उमर साहब भी जमीन पर लेटे हुए नजर आए और वो खांसना शुरू कर देता है। सलवा कहती है वक्त दो मालून, तुम्हें बारकन की हालत नजर नहीं आ रही? ये भी चचा से बहुत मोहब्बत करते थे, इनके सामने उनकी जान ली गई है, ये हम दोनों से ज्यादा बुरी हालत में है। मालून कहती है मैं अपने बाबा को दफना चुकी हूँ, उनको मारने वालों को कब्र तक नसीब नहीं होने दूंगी। सुल्तान उस्मान से कहता है मैं यहाँ किससे कहानियां नहीं सुनने आया, मैं आंखें देखे पर यकीन रखता हूँ और तुमने मेरी पीठ में खंजर घोपा। उस्मान कहता है किससे कहानी नहीं है सुल्तान, मिंगयान सब बताएगा। उस्मान मिंगयान से कहता है सब बताओ, कैसे तुमने मेरे वहाँ जाने से पहले मेरे लिए खेल रचाए, आलम शाह और घातु के इत्तेहाद के बारे में बताओ और जो खंजर सुल्तान की पीठ में घोपा गया। सुल्तान कहते हैं बोलो। मिंगयान कहता है कि आलम शाह ने उस्मान की गिरफ्तार होने पर हमें पैगाम भेजा, हमने उस्मान का खंजर तुम्हारे खादिम के हवाले कर दिया, हमारा खादिम सुल्मान घातु का वफादार था। मिंगयान कहता है हमें तुमसे और उस्मान से छुटकारा मिल जाता मगर उस्मान। मिंगयान की बात काटते हुए सुल्तान कहते हैं ये चीजें तुम्हें मासूम करार नहीं दे सकती उस्मान, वजीर जैसे अंजाम से बचने के लिए जो दिल में आ रहा है कहते
जा रहे हो। मेरा फैसला वाजा है, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि तुम दुरुस्त कह रहे हो तो बाकी हकायक शहंशाह एंड्रोनिक से इत्तेहाद क्यों किया? उस्मान कहते हैं, सुल्तान आप शहंशाह से मुआहदे के बारे में पूछ रहे हैं तो इसका जवाब किलेदार ही देंगे। वो बुरान से कहकर नेकोला और निकोसिस को बुलाता है। नेकोला अपना तारुफ कराता है। नेकोला कहता है, मैं आज यहाँ सिर्फ हकीकत बयान करने आया हूँ। उस्मान को शहंशाह के पास मैं बताते खुद लेकर गया था, क्योंकि ये गहातों और मंगोलों से बचने के लिए और इस खतरे से निपटने के लिए हमें अपनी सिफ्त में जमा करना चाहते थे। सुल्तान कहते हैं, कोशिश तुम बताओ। कोशिश कहता है, मैं उस्मान को सालों से जानता हूँ, जंगों में कई मरतबा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ चुका हूँ। उस्मान भाई का सिर्फ हदफ यही था कि वो इन जमीनों को खतरे से बचा सके। यहाँ का हर शख्स गहातों और वजीर के हदफ से बाखबर है। उनका मकसद इस जमीनों से हम सबको हटाना था, इसीलिए अपने साथ बारूद भी लाए थे। सुल्तान सब सुनकर कहते हैं कि आप सब जाएं। सुल्तान उस्मान से कहते हैं, तुम्हारे गवाहों और तुम्हारी बातों से मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गया हूँ और मरने वाले के साथ दुरुस्त हुआ, मगर मैं गहातू को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। उस्मान कहता है, गहातू मेरा कैदी है, उसे मारना या ना मारना ये मुझ पर मुनहसर करता है। उस्मान कहता है, अगर गहातू नहीं मरता तो अपना हक वसूल करूंगा। सुल्तान कहता है, अगर गहातू मर गया तो आर्गुन खान हमारी जमीनों को बर्बाद कर देगा, क्या तुम्हारे पास इनसे बचने का कोई रास्ता है? उस्मान कहता है कि सुल्तान, हम अब अर्तगल गाजी के दौर से लड़ रहे हैं, कई बार बर्बादी का मुंह देख चुके हैं, लाखों शहीद हुए लेकिन कभी नहीं डरे, लेकिन अगर गहातू नहीं मारा तो इसके बदले मुझे शहर और गांव चाहिए, अपने सिपाहियों के लिए हथियार चाहिए और घोड़े चाहिए और इन जालिमों से लड़ने के लिए कमाने चाहिए। सुल्तान कहता है कि आपके घोड़े हमेशा आगे से चलाते जाएं, आपको जो चाहिए वो हम फराहम करेंगे। वहाँ कार्नेलिया अपनी छुपाई हुई जहर की बोतल को निकालती है और मारी के खाने पर डालती है, जिसके बाद मारी आती है और वो कार्नेलिया को आवाज़ देती है कि मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ थी? कार्नेलिया मारी से बोलती है, कल शाम जो खाने को मांगा था वो ही लेने हरमान काया गई थी, जिसको खा के मारी की तबीयत बिगड़ती है। आयशा मारी से पूछती है, मारी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मारी कहती है, मतली कभी खत्म नहीं होती आयशा खातून। आयशा कहती है, वक्त के साथ हो जाएगी। आयशा कहती है, खेमे में जाके मारी आराम करो, और वो कार्नेलिया को कहती है, हम खाना बनाते हैं, चलो मेरे साथ। तुर्गुत मारी को जाते देखकर खुश होता है। बारकन तुर्गुत के पास आता है और कहता है, शाबाश है आप पर। गुंदूस की तरफ देखते हुए कहता है कि किसी ने मेरी बीवी को दुश्मन के हवाला किया हो मैं उसे फोड़ देता। तुर्गुत कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं कब की जान ले चुका होता। तुर्गुत कहता है, उस्मान का शुक्रिया अदा करें जो ये जिंदा है। बारकन कहता है, लेकिन जो एक मरतबा कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। तुर्गुत कहता है, दुरुस्त कहा, लेकिन उस्मान भाई अपना फैसला कह चुके हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। उस्मान के हाथों के पास आता है और कहता है, सुल्तान की वजह से तुम्हारी जान बख्श दी गई, अगर इन जमीनों पर तुम्हारे कदम ही नहीं बल्कि तुम्हारे घोड़ों के कदम भी नहीं आने चाहिए। गहातू कहता है, मैं आलमशाह नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं लश्कर के साथ आऊंगा, तुम्हें और तुम्हारे कबीलों को खाक में मिला दूंगा, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कलेजे चबा जाऊंगा। उस्मान कहता है, खबरदार, मैं तुम्हारे खेमे को तुम्हारी कब्र बना दूंगा, तुमने मेरे सिपाहियों की जाने ली है। वो उसे मारता है और कहता है कि तुमने मेरा दिल जलाया, भाई को भाई का दुश्मन बनाया है। गहातू कहता है, मैं इससे भी ज्यादा करूंगा, अब आर्गुन ये इस बात सुनेगा तो तुम्हें मारने के लिए हरकत में आ जाएगा। उस्मान कहता है, आर्गुन को पता चलने का मुझे नुकसान नहीं तुम्हें होगा। गहातू कहता है, वादा बात करो उस्मान। उस्मान कहता है, तुम्हारी धोखाबाजी सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं, सिर्फ तुर्कमानों से नहीं बल्कि कई लोगों से तुमने धोखाबाजी करी, तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। गहातू कहता है, तुमने क्या किया उस्मान? और उस्मान बाहर चला जाता है, पीछे से सिपाही गहातू को बाहर लेकर आते। मालून गहातू के देख के कहती है कि तुमने मेरे वालिद को मारा, मैं तुम्हारी लाश कबीले के दरमियान लटकाऊंगी। मालून चाकू लेकर गहातू को मारने आती, उस्मान उसे रोकता है। मालून कहती है, इसके हाथों पे मेरे बाबा का खून है, इसे मत जाने दें। सुल्तान कहते हैं, ये उस्मान का नहीं सल्तनत के हुक्मरान का फैसला है, पीछे हट जाओ खातून। मालून कहती है, ये ठीक नहीं, इस जालिम को ऐसे आजाद नहीं किया जा सकता। वो फिर उसे चाकू मारती है, उस्मान रोक कर उससे चाकू ले लेता है। मालून वहां से चली जाती है। सालजान कहती है, जहां जा रहा है इसकी कब्र वहीं बनेगी। सलवा कहती है, अपने वालिद का खून भी अपने शोहर के हवाले कर दिया, कैसा ताल्लुक है, कैसी वफादारी है, मैं सबको एक एक करके कत्ल करूंगी। उस्मान एक खत दिखाते हुए कहता है, मैं अपनी मतलूबा चीजें हासिल कर चुका हूँ, ये अब इस दोबारा खत्ते में आ नहीं सकता। सुल्तान कहता है, कमांडर गहातू को खोल दो। गहातू सिपाही का खंजर लेकर मिंग्यान को मारने के लिए भागता है, उस्मान उसे पकड़ लेता है। गहातू मिंग्यान से कहता है, तुम्हारी जबान तालू से चिपक जाएगी, किसी छुरी से अलग नहीं किया जा सकेगा, और उस्मान गहातू का खंजर नीचे फेंक देता है। उस्मान कहता है, अगर किसी को मरना होगा तो उसकी गर्दन मैं उतारूंगा, अब दफा हो जाओ यहाँ से। नेकोला कोशिश से कहता है कि उस्मान की ताकत में इजाफा हो रहा है। कोशिश कहता है, लेकिन हमारे दुश्मन कैद होकर जा रहा है। नेकोला कहता है, नहीं नहीं, एक खतरनाक तरीन नया दुश्मन पैदा हो चुका है। सुल्तान कहते हैं कि काय कबीले वालों, उस्मान भाई पे लगाए गए तमाम इल्जाम वाज़ह हो चुके हैं। तमाम इल्जाम झूठे होने की वजह से उस्मान को बरी किया जाता है और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम जमीनें इन्हें दी जाती हैं, यानी कि तमाम शहरों के देहात और गाँव
उस्मान भाई की मिल्कियत है। सुल्तान उस्मान से कहते हैं कि अब नई जमीनों के जरिए आपकी हदूद में इजाफा हो चुका है और सरहदी खत्ता आपके हवाले, बहुत जल्द अस्करी दस्ते आपकी तरफ रवाना करूँगा। उस्मान कहता है ये पेश की गई जमीनें फतूहात का पेश खेमा साबित होंगी और भेजे जाने वाले दस्ते इस्लाम के लिए जंग करेंगे। हम सब निज़ाम आलम के लिए जद्दोजहद करेंगे। जरा बराबर भी परेशान मत होइए, फतेह मंद रहे, आपका सफर आसान हो। सुल्तान के जाने के बाद उस्मान बुरान से कहता है कि सिपाहियों और सरदारान को पैगाम पहुंचाओ, शाम में उताक में तशरीफ लाएं, अब फतेह का वक्त है। बुरान कहता है जैसा आपका हुक्म। बारकन गुंदू से कहता है कि सरबराही सिपाहियों की आप जैसे शख्स के पास होनी चाहिए थी, तुर्गुत जैसे बाहर के आदमी के पास। सिपाहियों की सरबराही का क्या लेना देना, तुर्गुत अपनी मर्जी करने वाला आदमी है, तक किसकी हिफाजत कर पाया जो सिपाहियों की करेगा। गुंदूस कहता है तुम उमर भाई की हिफाजत कौन सा कर पाए, किस बारे में बात कर रहे हो, छोड़ो जाओ अपना काम करो। सोगुत में आकचा दरवेश कहते हैं कि कल उस्मान भाई यहाँ आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो, यकीनी बनाए कि सब कुछ तैयार रहे। सिपाही कहता है कि आप परेशान ना हो। आकचा दरवेश एक शख्स को देख के कहते हैं आप जरूर मुसाफिर होंगे। उस शख्स कहता है कि रास्ता सिरातुल मुस्तकीम है और हम ही इस रास्ते के मुसाफिर हैं। आकचा कहते हैं मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। हम अपने तलबा के साथ समरकंद से आ रहे हैं, हम इल्म के लिए सफर करते हैं और सराय में रहते हैं, मुझे इब्राहिम अल फकी कहते हैं। आकचा कहते हैं कि खुशामदीद, मैं पहले आपको आपका कमरा दिखाता हूँ ताकि आप आराम कर सकें। इब्राहिम कहते हैं कि नहीं, इसके बरक्स मैं काफी देर आराम से सोया रहा हूँ, मैं आराम से हूँ और वजीफे के लिए हाजिर हूँ। आकचा कहते हैं जब वजीफा हक की खिदमत के लिए है तो आप सही जगह पर है आफंदी। इब्राहिम कहते हैं मैं जानता हूँ, मैंने सोगुत के मजबूत इत्तेहाद के बारे में सुना है, वो सराय के कमरे में आते हैं, वह बारकन पहले से मौजूद होता है। बारकन कहता है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। गुंदूस और तुर्गुत के कानों में जहर घोल दिया है, जल्दी इनमें झड़पें हो जाएंगी, वो जहर आग की सूरत इख्तियार कर जाएगा। बारकन पहले वो खैमों को जलाएगा, इसके बाद ये दूसरों तक पहुंच जाएगा और एक एक करके वो आग सबको तबाह कर देगी। हम तैयार हैं लेकिन वो अपनी नींद में मर जाएंगे। बारकन कहते हैं उमर की मौत ने इन पे बहुत गहरा असर डाला है, हम रोज इनमें तनाव को बढ़ा रहे हैं, इनके अंदर का खौफ इनके दिल में गुस्सा बन के उभरेगा। वो कहता है काई कबीला हार मान जाएगा। बारकन कहता है आग कौन लगाएगा, वो बताता है कि मारी की वफादार कार्नेलिया। आयशा किचन में कार्नेलिया से पूछती है इसने सारा दिन कुछ क्यों नहीं खाया। आयशा कहती है मारी को अब वक्त पर खाना चाहिए। कार्नेलिया कहती है आपने ठीक कहा आयशा खातून, वो हमला है, उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। आयशा कार्नेलिया को सूप देती है, कहती है ये काफी नहीं, मैं इसके लिए एक ट्रे लेके आती हूँ। आयशा ट्रे तैयार करती है, पीछे से कार्नेलिया सूप में जहर मिला देती है और उसकी शीशी को वहीं छुपा देती है। आयशा कार्नेलिया को ट्रे देते हुए कहती है कि यकीनी बनाओ कि वो ये सब कुछ खाए। बुरहान कौनूर से कहता है कि आज के बाद हम बगैर किसी राज के हम मैदान जंग में लड़ेंगे। कौनूर कौनूर कहता है इंशाल्लाह। तुर्गुत कहता है आए अब से ईमानदार बने ताकि हम गलतियां ना दोहराएं। और गुंदूस को देखता है और कहता है जो छुपकर काम करते हैं वो जालिम है। गुंदूस कहता है जालिम वो हैं जो उठने के लिए दूसरों को कुचल दें। अपने मकाम की वजह से गलत अल्फाज ना बोलें तुर्गुत साहब। तुर्गुत और गुंदूस एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि उस्मान अंदर आता है। उस्मान कहता है कि हमने अपने दोनों परेशानियों से एक ही दम छुटकारा पा लिया, जैसे तीर कमान से निकलता है इस तरह हम अपने दुश्मनों की तरफ बढ़ेंगे, हमारा हदफ ऐना गोल है। बुरहान कहता है जब मैं उस नुकेला कुत्ते को देखता हूँ अपनी रगों में गुस्सा महसूस करता हूँ। जहर को तय कहता है हम इसका सर कलम करेंगे। उस्मान कहता है हमारा दावा इंतकाम के लिए नहीं है, हमारा दावा एलाए कलमतुल्लाह के लिए है। उस्मान कहता है हम ऐना गोल को अपनी पुश्त की तरह जानते हैं, हम इस शहर के कमजोर मुकामात को जानते हैं। उस्मान आकचा से कहता है कि हमें बताएं। आकचा कहता है दाऊद उस्ताद मैंने बारूद को जग डाल दिया। आकचा कहता है हमले के दो तरीके हैं, हम लोहे की तोपों को आग से भर देंगे और फिर हमला करेंगे और वो टकराएंगे और फट जाएंगे, या फिर माहिर सिपाही तोपों से गोले मारेंगे। उस्मान दाऊद उस्ताद से पूछता है कि दाऊद उस्ताद आप बताएं। दाऊद उस्ताद कहते हैं कि मगरिब की तरफ पत्थर बहुत मजबूत हैं, इन्हें तबाह करना मुश्किल है, अगर हम दो बुर्जों के दरमियान सुराख बनाए तो नेकोला के किले के अंदरूनी तरफ जाने वाली सड़क हमारे बिल्कुल सामने होगी। तुर्गुत कहता है एक मरतबा हम नेकोला तक पहुँच गए तो किला हमारा होगा। उस्मान पूछता है क्या इसके लिए हमारे पास सामान पूरा है। दमीर जी कहते हैं नहीं, लेकिन अगर हम सुल्तान की तरफ से भेजे जाने वाली मंजिलों का इंतजार करें तो हमारे पास काफी इमदाद होगी। उस्मान कहता है इससे पहले हम किले को चारों तरफ से घेरेंगे, सुल्तान की तरफ से जब इमदाद आएगी तो आएगी। नेकोला अभी होशियार है, वो रासो समेत हर जगह अपनी घात लगाए बैठे हैं, हम इन मंजिलों को
किले के अतराफ कैसे नस्ब करेंगे। एमएम मारी खाना खाते हुए कार्नेलिया से कहती है, खाना बहुत अच्छा बना है। वो कार्नेलिया से कहती है, क्या तुम भी खाना पसंद करोगी। कार्नेलिया मारी से कहती है कि मैं अब खवातीन की मदद करने जा रही हूँ। मारी कार्नेलिया से कहती है कि शब्बा खैर। कार्नेलिया मारी को मुड़ के देखती है और कहती है, हम जाग गए, अब आप गहरी नींद सो जाएं। गुंदू साक्षा से कहता है कि तुम मंजेको को बेहतर जानते हो, ये तुम्हारा काम है, अब बताओ कि मंजेको को तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। आक्षा पूछता है इन सबको, वो कहता है कि आधा दिन। गुंदूस उस्मान से कहता है कि हम एक कारवा में इन मंजेको को छुपाते हैं। किले के करीब ये रास्ता जंगलों से ढका हुआ है, ये मशरक के करीब है, हम मंजेको को इधर रखते हैं। निकोला सुबह उठकर नाश्ते की शक्ल नहीं बल्कि बारूद देखेगा। उस्मान पूछता है दाऊद उस्ताद, जैसे गुंदूस साहब ने कहा, ऐसा हो सकता है। दाऊद उस्ताद कहते हैं, हाँ ये मुमकिन है, लेकिन रात की तारीखी में चलने वाली ये मंजेके तुर्गुत कहता है काम नहीं आएंगी। अभी का चांद हिलाल, अगर हम रात के टाइम अपने मशाले जलाते हैं तो निकोला के सामने रोनुमा हो जाएंगे, ये माकूल नहीं होगा। जैसा गुंदूस भाई ने कहा वैसा ही होगा, उस्मान कहता है, इससे पहले हम हिसार लेंगे और उसमें हेडक्वार्टर तैयार करेंगे और फिर हम अनागोल लेंगे। उस्मान कहता है जरूरी सामान तैयार करें। मारी के पास खेमे में तुर्गुत आता है। मारी तुर्गुत से पूछती है, सब खैरियत है। तुर्गुत कहता है, मैं ठीक हूँ। मारी कहती है, किस पर गुस्सा हो, मुझे बताओ। तुर्गुत कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गुस्सा हूँ। मारी उसकी पेशानी पे हाथ लगा के बोलती है, यहाँ से, मैं तुम्हें जब से जानती हूँ, जब तुम मुसीबतों में घिरे थे, मैं तुम्हें देखता हूँ तो सब मुश्किलों को भूल जाता हूँ। उस्मान सोगुत जाता है, तमाम लोग उसे खुशामदीद कहते हैं। उस्मान ताजिरों से कारोबार के बारे में पूछता है। उस्मान हसन नामी ताजिर से कहता है कि चलो शहद चखें, पहले वाले शहद की तरह है चखें। इब्राहिम बना हुआ शख्स ताजिर के पास आता है और कहता है, इसे दोबारा तोलें। ताजिर कहता है, मैं इसे क्यों तोलूं। वो कहता है, खराब सेबों को सही सेबों के साथ नहीं तोला जाता, या फिर सारे अच्छे सेबों को तोलो और इसकी कीमत ले लो। ताजिर दोनों सेबों को दिखाते हुए कहता है, इनमें क्या फर्क है। इब्राहिम कहते हैं कि ये सोने का सिक्का अगर मैं तुम्हें दे दूँ तो तुम्हें आखरत में कोई परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन दो सेबों की वजह से आपका रिस्क हराम हो। हलाल लुकमा जो आपके गले से उतरे से सिर्फ जहन्नुम की आग ही साफ कर सकते। उस्मान उसकी बातें सुनकर उसे पीछे से आवाज़ लगाता है, आफंदी। खेमे में मारी को उल्टियाँ आ रही होती हैं। तुर्गुत आता है, पूछता है, मारी तुम ठीक हो। मारी कहती है, नहीं मैं ठीक नहीं। मारी कहती है, मेरा पेट। तुर्गुत कहता है, तुम्हारा रंग दर्द पड़ रहा है। मारी कहती है, मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। तुर्गुत कहता है, तुम परेशानी हो, कुछ गलत खा लिया होगा। मारी कहती है, ये उसी ने किया है जिसने ये खाना भेजा है। कार्नेलिया आती है और कहती है, ये क्या हो रहा है। तुर्गुत कहता है, मैं नहीं जानता कार्नेलिया, इसे क्या हुआ। उस्मान कहता है, क्या आप समझते हैं कि सोगुत का जिम्मेदार कोई नहीं। उस्मान पूछता है, आप कौन हैं। वो इब्राहिम नाम से अपना तारुफ कराता है, और ये मेरा तालबे इल्म इसहाक है, और अगर मुझे कोई गलती नजर आती है तो उसे सही करना मेरा फर्ज है। क्या आप गलती के ऊपर गुस्सा हैं। उस्मान कहता है, आप जानते हैं आप किससे मुखातिब हैं। वो कहता है, आप सरदार हो या सुल्तान। इब्राहिम कहता है, मैं हक कहता हूँ। उस्मान कहता है, हमें हक कहने वालों की जरूरत है। मैं फकीर उस्मान बे हूँ और ये तलवार मेरी वाहिद मिल्कियत है, और ये सोगुत में कुछ गलत नहीं होने देती। और उस्मान उनसे बातें करते हुए कहता है कि थोड़ा सा भी झूठ उसके लिए नुकसानदेह है, आपने उसको सही रास्ता दिखाया। आफंदी कहते हैं कि हमारा ईमान है कि अल्लाह अपनी मखलूक के रिस्क की हिफाजत करता है, इंसान को चाहिए कि वो हलाल रोजी कमाए। शैतान लोगों को बहकाता है। उस्मान कहता है, आप सही कहते हैं। आफंदी कहते हैं कि ये जहर की तरह रगों में दौड़ता है और सामने वाले को पता भी नहीं होने देता, और सामने वाला उसे पहचान भी नहीं सकता जब तक उसका खून ना बह जाए। तुर्गुत मारी को लिए हुए सिपाहियों को आवाज़ देता है, यहाँ आओ मेरी मदद करो। वो सालजान को और कमराल अब्दाल को आवाज़ देता है। मारी तुर्गुत से कहती है, मेरा बच्चा। वो कहता है कि मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, कमराल अब्दाल तुम्हारा इलाज करेंगे। इतने में मारी दम तोड़ जाती है। तुर्गुत कहता है, मारी मत जाओ। तुर्गुत कमराल अब्दाल से कहता है कि मारी को देखें, कुछ बोलें। कमराल अब्दाल कहते हैं, अब कुछ नहीं कहा जा सकता तुर्गुत साहब। तुर्गुत सालजान से कहता है, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका माँ। गुंदूस और आयशा के आने पर कार्नेलिया कहती है कि इन्होंने इसे जहर दिया। वो आयशा की तरफ भागती है और कहती है, तुमने ऐसा कैसे किया। मालून कहती है, ये तुम क्या कह रही हो। बाला कहती है, कोई ऐसा क्यों करेगा। गुंदूस कहता है, खातून अपनी हद में रहो, तुम ये क्या कह रही हो। इन्होंने मारी को कत्ल किया, कार्नेलिया यही कहती रहती है। दोस्तों, इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए हमारी इस वीडियो का पार्ट 2 देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।